नेक्स्ट आपका चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है वो चैप्टर आपका 3 है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है ये, ठीक है। मेटल्स और नॉन मेटल्स स्टडी करेंगे, ठीक है। तो बेसिक फर्स्ट स्टार्ट हम करेंगे दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज से, ओके। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी लॉन्ग है, फिजिकल जो आप फैमिली थे अभी तक आपने जो भी प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए मैंने टेबल्स के फॉर्म में आपको बताया, और एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन आपने कभी स्टडी नहीं किया होगा। एक्सेप्शन आपके 10th क्लास में इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ठीक है। तो मैटर्स दे आर जनरली सॉलिड, आपको पता है मैटर्स जो होते हैं वो जनरली, यानी अगर आप कॉमन वे में बात करो तो सबके सब कैसे होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन होगा मतलब उसमें एक ऐसा मरकरी ऐसा है जो मतलब लिक्विड फॉर्म में, हम मरकरी का यूज़ आपको पता है थर्मामीटर में यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड नॉन मैटर्स जो होते हैं वो सॉलिड्स भी हो सकते हैं और गैसेस फॉर्म में भी हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, एक नॉन मैटर ऐसा भी है जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड ब्रोमीन, ठीक है। तो ब्रोमीन जो है वो नॉन मेटल है और वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, ओके। नाउ चिल्ड्रन नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है लस्टर। लस्टर मतलब होता है उसका शाइनिंग नेचर, कोई भी मेटल्स जो होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो शाइन करता है, इसी शाइनिंग नेचर को हम बोलते हैं लस्टर, ठीक है। दे हैव अ शाइनिंग लस्टर विच इज कॉल्ड मेटलिक लस्टर, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, मेटलिक लस्टर्स, ठीक है। नॉन मेटल्स होते हैं दे आर नॉन लस्टर्स, उनमें कोई शाइनिंग नहीं होती। नॉन मेटल को आप एग्जाम्पल लेके चल सकते हो, दैट इज योर कार्बन, ओके। कार्बन जो होता है जैसे कोल होता है, कोल कार्बन से मेडअप होता है, ठीक है। तो ये नॉन लस्टर होता है, इनमें कोई शाइनिंग नहीं होता। लेकिन एक्सेप्शन है, दैट इज ग्रेफाइट और आयोडीन। ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का एलोट्रॉप है, मतलब कार्बन का कार्बन से ही बना हुआ है, लेकिन इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ग्रेफाइट्स जो आपकी पेंसिल की जो स्टार्टिंग जो लिड होती है उसी के अंदर यूज किया जाता है ग्रेफाइट, तो आप देख सकते हो थोड़ा शाइनिंग नेचर होता है, यानी उसका लस्टर होता है, ठीक है, थोड़ा शाइन प्रोड्यूस करता है। सोनोरिटी, सोनोरिटी मतलब जब भी हम मेटल्स जो होते हैं वो एक कैरेक्टरिस्टिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यानी जब भी हम उसको हिट करते हैं मेटल्स को किसी अनदर मेटल से, तो अनदर ऑब्जेक्ट से, तो हमेशा एक साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो दे जनरली प्रोड्यूस द कैरेक्टरिस्टिक साउंड ऑन द स्ट्राइकिंग अ हार्ड सर्फेस, जब हम उनको हार्ड सर्फेस पे स्ट्राइक करते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जबकि नॉन मेटल्स होते हैं ये नॉन सोनोरस होते, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, ओके।